नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल, आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हरी सब्जियां। पिछले एक महीने में सब्जियों के दामों में 50% तक की वृद्धि हुई। रसोई का बजट भी बिगड़ा। धनिया 300 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर भी बाजार में दिखाई नहीं देता। हरी मिर्च 120 रुपये तो 70 रुपये टमाटर पहुँच गया। शिमला मिर्च 100 रुपये तो आलू, जो आम आदमी की सब्जी है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसे में ये कहावत सच साबित होती है, दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाओ। वर्षों पहले लिखी गई ये पंक्तियाँ आज भी परिपेक्ष में बिल्कुल ठीक बैठ रही है, क्योंकि हरी सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के पहुँच से कोसों दूर जा रही हैं। सामान्य तौर पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम से बिकने वाला घिया तोरी 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक बिक रहा है। अन्य सब्जियों का भी बुरा हाल है, जिसका अंदाज़ा लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। सब्जी के दामों में पिछले 30 दिनों में इतना उछाल आया है कि हरा धनिया भी 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, जो बाजार की दुकानों में कम ही दिखाई देता है। वहीं लाल मिर्च का स्वाद लोगों का मुँह जलाने लगा है, जिसके दाम भी उछल कर 120 रुपये हो गए हैं। वहीं तमतमाकर टमाटर भी लाल हो गया और प्याज भी लोगों के आंसू निकालने लगा है। बाजार में हमेशा 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये बिक रहा है। अन्य दूसरी सब्जियों का भी यही हाल है। सब्जियों के बढ़ते दामों से लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ कोरोना काल के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे आमजन लोग, जिनके लिए हरी सब्जियां खाना भी मुश्किल हो गया, एक और डॉक्टर कोरोना वायरस से निपटने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दाम भी इतने महंगे हो चुके हैं। ऐसे में पौष्टिक आहार की बात करना तो दूर, पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। सब्जियों के बढ़ते दामों को देखकर सब्जियों की दुकानों पर आने वाले अक्सर लोग गुनगुनाते नजर आते हैं। कहते हैं कि भैया दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाओ। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट राजेश भांबू के साथ। सब्जियों के बारे में कुछ तो लॉकडाउन की वजह से इतनी आर्थिक तंगी आ गई है, काम धंधे सब बंद हो गए हैं, ऊपर से सब्जियां इतनी महंगी हो गई है। आलू 40 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, गरीब आदमी बेचारा क्या करे, कहाँ से क्या खाए। रसोई का काम तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, कैसे चलाएं घरों के खर्चे, काम धंधे भी नहीं, सब कुछ चौपट हो गया है, क्या करें, कहाँ से अपने घरों के खर्चे चलाएं, कैसे हम अपने बच्चों को पालें, बहुत मुश्किल हो गया खर्चे, ऊपर से रही सही है सब्जियां भी महंगी हो गई है, गरीब आदमी बेचारा कहाँ से कुछ खाए, और बचाना तो बहुत दूर की बात है, बचना तो बहुत दूर की बात है, घरों के खर्चे ही नहीं चलाए जा रहे हैं। तो आसमान को छू रहे हैं, क्या मामला है ये, क्या हर चीज कुछ तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद सब्जियां ये आसमान को छू गई, 10-15 दिन पहले सब्जी थी जल्दी, अब ये सब्जी तेज हो गई, जिस तरह टमाटर है 60 रुपये किलो हो गए, प्याज है वो 30-35 रुपये बीच में चल रहा है जी, मिर्ची है वो 60 रुपये किलो है, वो भी है वो 60 रुपये किलो है जी, आम आदमी गरीब आदमी तो बस से भी दूर हो चुकी है ये। तो क्या यहाँ की लोकल सब्जियाँ आनी बंद होगी? नहीं, लोकल सब्जियाँ तो आती है, सब्जियाँ कम हो गई ये बारिश की वजह से। तो बाहर से भी आती हैं सब्जियाँ? बाहर से भी आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? ये पानीपत से आ रही हैं, कुछ टवाणा से आ रही हैं, कुछ एरिया इधर भट्टू एरिया से लोकल है, माजरा ढाणी माजरा है, वहाँ से आ रही है सर। क्या नाम है जी आपका? राम सिंह।